आज हम रिव्यू करेंगे गोस्ट बस्टर्स फ्रोजन एम्पायर फिल्म, जो कि एक हिसाब से गोस्ट बस्टर्स की छठी फिल्म है, जिसने 2006 में आई गोस्ट बस्टर्स के साथ इस फिल्म के यूनिवर्स को फिर से स्टार्ट किया था। तो क्या खास है इस फिल्म में, आपको अपना टाइम इस फिल्म को देना भी चाहिए या नहीं, आइए जानते हैं। पहले तो इस फिल्म की इस कहानी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इस फिल्म की कहानी आफ्टर लाइफ फिल्म के इवेंट्स के 2 साल बाद की है, जिस टाइमलाइन में ऑब्वियसली ये सारी टीम पुरानी टीम के कुछ मेंबर्स के साथ मिलकर गोस्ट बस्टर्स का काम न्यूयॉर्क सिटी में स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन उसी बीच उनकी रिसर्च के चलते क्या प्रॉब्लम्स आती है और जो विलन है उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है और वो इस न्यूयॉर्क सिटी के लिए कितना बड़ा खतरा है, उसका पता तो आपको फिल्म देखकर ही चलेगा। फिल्म की लेंथ ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की है और हाँ, आप फिल्म को फैमिली के साथ भी देख सकते हो, क्योंकि इसका यूनिवर्स बनाया ही गया था बच्चों को ध्यान में रखकर। इसके अलावा बात की जाए पुराने एक्टर्स की, तो जितने ज़्यादा एक्साइटमेंट थी फिल्म के आने की और जो मिस्ट्री बनी हुई थी कि सारे एक्टर्स हमें इस फिल्म में नज़र भी आएंगे या नहीं, तो उस एक्साइटमेंट को पूरा करने में ये फिल्म पूरी तरह से फेल होती है, क्योंकि पुराने करेक्टर्स इस फिल्म में बस 1.5 घंटे के लिए ही दिखाए गए हैं, क्योंकि उसके अलावा पूरी फिल्म को न्यू कास्ट पर छोड़ दिया गया है, जो कि इस फिल्म की लेगेसी को कंटिन्यू नहीं कर पाती है। बट फिर भी कहूँगा कि डायरेक्टर ने अच्छा टेक देते हुए एक एवरेज फिल्म बनाई है और गोस्ट सीन जितने भी है फिल्म में वो ठीक ठाक से हैं। बाकी सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो सभी की परफॉर्मेंस फिल्म में एवरेज है और फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है बस मॉर्निंग वाले सीन्स में। फिल्म का म्यूजिक एंड प्रोडक्शन वर्क डिसेंट है और हाँ, फिल्म में एंड क्रेडिट सीन भी है जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई सेंस बनाता है, तो आपकी मर्जी, देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो छोड़ दो। इन शॉर्ट, अगर आप गोस्टबस्टर्स के यूनिवर्स के फैन हो तो 1 टाइम वॉच कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। तो ओवरऑल देखते हुए मैं इस फिल्म को रेट करूँगा 7 out of 10। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ऐसी और रिव्यूज़ देखते रहने के लिए।